धमाकेदार होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं भाईंदर कोराय बीच, पूरा म्यूजिक ग्रुप वहाँ पे आने वाला है। आज म्यूजिक ग्रुप का गेट टुगेदर है और सभी डीजे 15 DJ वहाँ पे आने वाले हैं। वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ऑलमोस्ट नाला सोपारा स्टेशन तक पहुँच गए, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के सीधा भाईंदर और भाईंदर से शायद रिक्शा या बस या देखते क्या करते हैं हम लोग पहुँचने के लिए। वहाँ पे विला बुक किया है हम लोग ने, वो भी दिखाता हूँ। बहुत प्यारा विला है, जैसे हम लोग जाते हैं अलीबाग ये वगैरह सब, तो अगर घर के पास ही अगर सब सुविधा मिलती है तो फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। इसके लिए आपके लिए भी ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप भी देखें और जहाँ हम जा रहे हैं आप भी वहाँ का मज़ा लें। पूरा स्टेशन ये वगैरह सब खाली है। नॉर्मल डे सैटरडे संडे दोपहर से अब ट्रैवल करना बहुत अच्छा है, हालत खराब हो गया। ये जो सामने दिख रहा है ये ब्रिज चढ़ के सीधा वो साइड पे जाना, क्योंकि वहाँ से हम लोग को कुछ बस रिक्शा या प्राइवेट व्हीकल्स मिलेंगे जो गोराय बीच लेके जाएंगे। ये रहा भाईंदर स्टेशन, फटाफट निकलते हैं क्योंकि सब लोग पहुँच गए वहाँ पे। हम लोग ये सबसे लास्ट में, हम लोग बॉम्बे से आए पहले पहुँच गए, हम सोपारा से अभी पहुँच रहे पूरे। और सोपारा में आज सुबह 11 बजे से लाइट गई थी, अभी तक नहीं आई जब मैं निकला, तो वही रीज़न रहेगा शायद। बस एड्रेस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सुमलाय फ्राम करके कुछ है, तो कल्पेश ने बताया कि यहाँ से बस भी जाती है आधे तक, फिर वहाँ से कुछ प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाएंगे, तो अभी देखते हैं। ये बस स्टॉप है और ये रिक्शा स्टैंड भी है, ये पूरा आप देख सकते हो। और ये भाईंदर का स्टेशन जो कि नया बनाया हुआ है, क्लास लग रहा है एकदम मौसम। सुमलाय फार्म गोराय बीच, ये बस वाले को पूछते हैं गोराय बीच जाने के लिए कौन सा बस पकड़ना पड़ेगा। चार नंबर कहाँ से मिलेगा? एक पचास का है। और वो सुमलाय फार्म करके कुछ है उसके लिए जाने के लिए? सुमलाय तालाब करके है। हाँ, वही उधर तीन नंबर जाता है, उधर तीन है, उसका भी अलग बस। अगर मैं ये बस पकड़ के गोराय उतर जाऊँगा, गोराय उतर जाओ उधर से छः नंबर पर। थैंक यू सर। तो हमारे भाई थे, उन्होंने समझा दिया कैसे कैसे जाना है, सुमलाय फार्म ये वगैरह सब। हाँ, ये एड्रेस है उसका, सुमलाय फार्म मनोरी गोराय रोड ऑपोजिट सुमलाय फार्म तालो। कितना लगेगा? 300 रुपया, कुछ ज्यादा नहीं है सर जी? नहीं, बहुत लंबा है भाई। अब 300 रुपया क्या करे, क्या बोलती पब्लिक। एक घंटा बता रहे हो फुल ट्रैफिक जाम है, 300 रुपये में बोल रहे के लेके देखे जाएंगे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पकड़े या फिर 300 रुपया स्वाहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक घंटे के बाद शायद बोल रहे बस आएगी, एक घंटा यहाँ पे इंतजार करना मेरे को नहीं लगता यार। चलो चाचा से बोल, चाचा कुछ ऊपर नीचे कर दीजिए। नहीं देखो भाई, 250 ले लीजिए, नहीं होगा। चलो बैठ ही जाते, चलो तब तक आप फिर से सिनेमैटिक सीन का मजा लीजिए भाईंदर स्टेशन पे। भाई
पब्लिक मस्त है यहाँ की, हाँ फ्रेंडली है सब, कैमरा फ्रेंडली, किसी को दिक्कत नहीं है। मैं ये शूट शूट उठा रहा हूँ, वरना कई जगह पे जाते तो मुंह छुपाते कुछ ना कुछ उंगली करते, लेकिन सही है यहाँ, मज़ा है, मज़ा है, आप भी मजे लिए। मैं भी सो पा रह गया हूँ भाई, लेकिन अभी जो दो साल तीन साल के बाद वापस प्लान बनाइए सैठाने का। 15-20 लोग का कैपेसिटी है वहाँ पे, पर पर्सन कुछ 1500 रुपये सिर्फ बंगले का ले रहे हो लोग, और फूड ये वगैरह इंक्लूडिंग करना है तो उसका चार्ज अलग से, वो मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। जो उसको पास है, आप बॉम्बे सेंटर से ट्रेन पकड़ो, नाला सुपर आप विरार से ट्रेन पकड़ो, सीधा यहाँ पे चले आओ, यहाँ से प्राइवेट व्हीकल भी है, बस भी है, बहुत से ऑप्शन है। अगर पर्सनल कार हो तो और भी अच्छा है, बूस्ट बूस्ट लो मस्त करो पार्टी, क्योंकि आज के अगर आज का दिन दिया तो कल 12 बजे तक दोपहर तक हमारे पास वो पूरा विला है, और ख़ास बात एसी है उसमें, स्विमिंग पूल है, बहुत कुछ है, मज़ा आएगा। बस ये लोकेशन आ चुका है, अमित भाई ने भेजा है, बस अभी गूगल माता को चालू कर दिया है, गूगल माता हम लोग को लेके जाएगी अभी, उसके भरोसे है क्योंकि यहाँ के लोग कुछ अलग अलग चीज़ ही बता रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे, ये रिक्शा जाके यहाँ पे हम लोग को जाना है, अभी इसमें दिखा रहा है 500 मीटर एक मिनट का रास्ता दिखा रहा है। ये रहा सुमलाई फार्म, ये रहा सुमलाई फार्म, कहावत है गुजराती में, काकमा सोकरो न गामा ढिंडडो कुछ ऐसा हो गया, घूम रहे कभी कहीं इधर ही, चलो कोई वांदा नहीं, जो भी होता है अच्छे कुछ भी होता है। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच गए, ये है सुमलाई फार्म, ये हमारे चाचा जी को पेमेंट कर देते और फिर चलते हैं अंदर। तो बस पहुंच गए अंदर, अरे ओ ये अपने पार्टी लोग सब खड़े वहां पे, तो पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है, होगी और भी दिखा दो। हर महादेव, हर महादेव। बस देखा आप सभी ने, ये पीछे जो धमाल कर रहे हैं सब लोग पार्टी है, तो ये है हमारा म्यूजिक ग्रुप पूरा, अभी भी ये बंदे कम है, टोटल गिरने जाए तो कम से कम 20-25 के ऊपर हो जाते हैं बंदे हमारे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतने लोग आए हैं। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी की ये जगह देखते हैं, जो पीछे गए थे हम लोग वहाँ पे, यहाँ पे स्विमिंग पूल है और वहाँ पे स्पीकर लगा के हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं, और ये बैक साइड है, तो यहाँ से स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये सब वहाँ पे खड़े हैं। ऑसम प्रॉपर्टी, एक बार आइए
तक आओगे नहीं तब तक मालूम नहीं गिरेगा कैसा है ये वगैरह सब। और एरिया भी एकदम प्राइवेट है, किसी एक नहीं किसी के दो नहीं, अपनी फैमिली पार्टी फ्रेंड्स पार्टी आराम सब। जैसे आप सुन रहे हो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह से, एक नंबर पार्टी चालू है। ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चकनामा घारी लगे घारी लगे क्या सब आप ही जो हो गया पांच छ बराबर पूरा चेक कर बत्ता हो गया अपने जागवीस बद्दा हो गया है ना आया भी लाइट कर नो गॉड प्लीज नो नो बत्ता हो गया ना बाकी ना
સમજો કયા બધા હોઈ ગયા. The next day. So welcome to Moksh Lok. Good morning. फिर से आप सभी का स्वागत है. तो फिलहाल ये हालत है अभी. ये स्विमिंग पूल है जहाँ पे पूरा रात हम लोग ने धमाल किया ये वगैरह. तो सुबह 5 बजे तक ऑलमोस्ट साउंड डीजे ये सब धमाल किया. बहुत धमाल गाने ये वगैरह सब ऑलमोस्ट मज़ा ही आ गया सबको. और अभी बस 1-1.5 घंटे में हम लोग निकल जाएंगे बाहर क्योंकि हम लोग 12 बजे का ही टाइम है यहाँ पे. और ये हमारे सतीश भाई फूड्स और नाश्ता और चाय सब लाते हुए. और होप यू गाइस मज़ा आया. तो यहाँ से जाते टाइम भी कुछ देखते देखते जाएंगे. हेलो हेलो तो खाड़ो पूर्व मतलब पाँव अँ पड़ी थी रोटी वोटी बदली फिर से एक बार बुक टूक में आपका स्वागत है. पार्टी कैरी ऑन डे 48 ओवर्स पार्टी कैरी ऑन हो रही है. तो आप भी पार्टी बनाइए और हैप्पी करता रही. अभी बच रहे कुछ सुबह दोपहर के 1-1.5 बजे 6 बजे तक और एक्सटेंड कर लिया है. वेलकम टू मोक्ष लोक. फिर से आप सभी का स्वागत है. जैसे आप इन सभी ने देखा पार्टी ये वगैरह सब इट्स अ म्यूजिक ग्रुप्स और यही हमारे सब भाई मित्र ये वगैरह सब है. आप इन्हें देखा ये बंगलो विलाज ये सभी पीछे जिगी दिनेश और बाकी सब ये अपने गेट पे. तो होप आपको भी पार्टी मजा आया रहेगा. कमेंट कर सकते हो क्या है क्या नहीं एग्जैक्टली. और कल्पेश भाई कुछ बताएंगे. बूम बूम ऑसम प्लेस. इसका मैं नाम एड्रेस सतीश को पालू. सतीश भाई ये जगह का नाम क्या है. सुमलाई फार्म. सुमलाई फार्म. और कैसे यहाँ पे आना है. यहाँ आना है एक तो दो. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. तरीके एक भाईंदर से अगर आप फोर व्हीलर भाईंदर से स्टेशन के पास से 2 बस है यहाँ से यहाँ पे आती है. दो और आप बाइक लेके आ रहे हो तो गोराई से आप मलाड से सभी बाजू से रस्ते यहाँ पे. आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो. सर लगा मेरा मजाक. हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो. हेलीकॉप्टर ही डायरेक्ट हेलीपैड स्विमिंग पूल के अंदर है डायरेक्ट. और डायरेक्ट लैंड यहाँ पे. हेलीपैड है स्विमिंग पूल के अंदर. ये देखो पीछे दिखे रहेगा. ये देखो हमको भी हेलीपैड में जाना है तो हमने अभी हेलमेट पहन लिया. और यहाँ से ये हमारी सबकी ये हमें नहीं ड्रोन बाइक है. ये जैसे चालू करेंगे ऊपर चढ़े. तो अभी मुकेश भाई जाएंगे यहाँ से नंदा सुपर सुरेश भाई के साथ. सुरेश भाई के 30 वाले टिकट पकड़ी. तो कैसा लगा 30 hours की पार्टी वगैरह सब. ये पार्टी के लिए और एक लोग बनेगा भाई. मजा आया. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देने. अभी ने बहुत नाचा. पता ही नहीं चला कब 30 और हो गए. सौ प्योर जियो 30 बस. ये हमारे सुरेश भाई अब बताइए ये 2 दिन का पूरा है.
बहुत थक गया, बहुत बोल नहीं सकता उतना बोल नहीं सकते क्योंकि सब फुल ऑन और पार्टी किया है। ये दिनेश भाई हमारे बूम शंकर, आज इन्होंने जो सरप्राइज दी है ऑसमली, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, यानी बोलो तो आज हमारी एग्जैक्टली पूरी पार्टी हुई है दिनेश भाई के घर। तो बस ऑलमोस्ट हम यहाँ से निकल चुके हैं और जो हमारे साथ सीधे घर तक हम लोग पहुँचाएंगे सुबह। और ऑसमली आज ये मौसम देखो आप, और ये आप रोड देखो ऑसमली, आप जो ब्लॉग देखोगे मजा आ गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओ भाई लगेगा ही नहीं कि आप बॉम्बे में कहीं घूम रहे हो। ये देखा तालाब, कई लोग आए, कई लोग, ये बंदोबस्त आप देख सकते हो यहाँ पे। बस ऑलमोस्ट यहाँ से निकल के भी जा रहे हैं हम लोग, नहा चुके हैं सुरेश भाई, ये जा रहे हैं और पार्टी कैरी ऑन होगी और पार्टी बाकी है, मिलते हैं। सोल्यूशन यानी सजेस्ट करना चाहते हैं कैसे ब्लॉग बनाइए, अभी फिलहाल तो यही है, फिर मिलेंगे कोई अलग ब्लॉग में, दिल से दर्द निकालो और कुछ करो।